भोजपुर जिले में इन दिनों अचानक से अपराध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बेलगाम हथियारबंद अपराधियों पर लगाम कसने में पुलिस काफ़ी विफल साबित हो नज़र आ रही है। पुलिस के द्वारा अपराधियों के पकड़ने के लिए कई योजनाएं भी बनाई गई, फिर भी हत्या, धमकी और लूट की घटनाओं पर विराम नहीं लग पा रहा है। ताज़ा मामला भोजपुर जिले के कोइलबर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुल्हरिया समीप गुरुवार की देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगते ही युवक खून से लहूलुहान होकर घटनास्थल पर ही गिर गया। गोली की आवाज़ सुन ग्रामीण की भीड़ घटनास्थल पर इकट्ठा हो गई। अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश आराम से फरार हो गए। गुस्साए परिजनों ने पटना आरा मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर जमकर बवाल काटा। आक्रोशित परिजनों का इस दौरान कहना था कि घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर पुलिस वसूली करने में लगी हुई थी और हम लोग 300 मीटर की दूरी से गोली की आवाज़ सुनकर घटनास्थल पर पहुंच गए और पुलिस जो मात्र 100 मीटर की दूरी पर थी वह नहीं पहुंची। कोइलबर थाना अध्यक्ष ने बदमाशों को मनोबल बनाए रखा हुआ है, तब तक इलाके में आपराधिक घटनाएँ घट रही हैं। मृतक के परिजन घटनास्थल पर एसपी को बुलाने की मांग कर रहे थे और मृतक के परिजन को आर्थिक मुआवजा देने की भी मांग कर रहे थे। अब कैसे घटना भइल है? ये घटना भइल कोइलवर थाना 100 गज के दूरी पर, जबकि गाड़ी मोड़ पर आई ले जाए फछापरा पर पास पर ओकर दुगो गार्ड बा, पूरा से कहीं कि ना पकड़लक और एक घंटा के बाद आ रहल बा। ठीक नु, इसमें 100% कोइलवर थाना अपने पैसा लेकर यहाँ के प्रभारी और इसका दो पुलिस, जबकि प्रतिदिन यहाँ पैसा सुलता है सब, जबकि 100 गज के दूरी पर कोइलवर थाना है और यहाँ जान लीजिए कि ये मर्डर करा दिया मेरा भाई का। कितना गोली लगा है? दो गोली लगा है। यहाँ पर हम लोग 300 गज से दौड़ कर चले आए और 100 गज के दूरी पर से थाना नहीं आया, इसका क्या कारण है? क्या मांग करते हैं? इसका मांग हम एसपी को बुलाते हैं और जाए जिसका 3 बच्चा है, एक औरत है, उसका मुआवजा मिले। ये छोटा सरकार क्यों ऐसा दरोगा और पुलिस को बहाल करती है? क्रिमा की चोदो नाम बताइए। दरोगा जो बोलता है कि हम पटले में घर बना लिया, मैं चौदा कर ये भोसड़ी वाला। आपका नाम क्या है? मेरा मनोहर कुमार राय नाम है। कौन है आप उनके? हम उनका छोटे बड़े भाई हैं।